हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरवल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं गॉल ब्लैडर सर्जरी के, जिसको हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। ये सर्जरी कैसे की जाती है आज हम आपको दिखाएंगे, और जिसका सबसे कॉमन कारण है, जिसके कारण इसको किया जाता है, वो है पित्त की थैली में या गॉल ब्लैडर में पथरी होना, जिसको कोलेलिथियासिस बोला जाता है। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी है, या जिसको डॉक्टर मेडिकल लैंग्वेज में कोलेलिथियासिस बोलते हैं। और इसके बाद बोला जाता है कि आपको दूरबीन से एक सर्जरी करानी पड़ेगी, जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे। मेडिकल लैंग्वेज में इसको लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी बोला जाता है। और ये सर्जरी कैसे की जाती है हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप दिखलाएंगे। इसको आप देखिए, बट एक बात समझना जरूरी है कि जिस भी टीम से आप करवाएं, उस टीम का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने में सर्जरी आसान लगती है, लेकिन कहीं पे थोड़ी सी भी गलती एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है पेशेंट के लिए। तो आइए इस सर्जरी को हम देखते हैं कैसे ये सर्जरी की जाती है। सो ये लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी के लिए तैयारी है। ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लैप्रोस्कोपी में इस्तेमाल होते हैं। पेशेंट को पेंट एंड ड्रेप किया जा रहा है बिफोर द सर्जरी। सबसे पहले हम पोर्ट डालने के लिए तैयारी करते हैं। अंदर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, और ये ट्रोकार के थ्रू हम पोर्ट्स को अंदर डाल रहे हैं। ये पहला पोर्ट है जिसके थ्रू हम पेट के अंदर देख पाते हैं सब कुछ। अंदर स्कोप डालने के बाद हमें दिख रहा है पेट के डिवेरियस ऑर्गन। इसी तरह से हम टोटल 4 पोर्ट्स डालते हैं। एक पोर्ट से हम दूरबीन डालते हैं, बाकी 3 पोर्ट से हम सर्जरी करते हैं। ये स्टैंडर्ड मेथड है करने का। अब देखते हैं गॉल ब्लैडर को हमने पकड़ा है एक इंस्ट्रूमेंट से, और उसके ऊपर जो चिपका हुआ फैट है उसको, ओमेंटम है, पेरिटोनियम है, उसको हम रिलीज करें। तो ये ओमेंटम जो गॉल ब्लैडर के साथ लगा हुआ था, उसको हमने स्लोली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रिमूव किया है, एंड एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि ब्लीडिंग ना हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को बहुत केयरफुली किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑर्गन की इंजरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए करने वाली टीम को बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशन इन द सर्जरी। अब देख रहे हैं ये जो जगह है जिसको डायसेक्ट किया जा रहा है, ये गॉल ब्लैडर की नेक है। यहां पर हम सिस्टिक डक्ट के करीब पहुंचे हैं, सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी। ये सिस्टिक आर्टरी है जिसको लाइगेट किया जा रहा है 2 क्लिप्स के द्वारा। हमने सिस्टिक आर्टरी को बांध दिया है, और अब हम सिस्टिक डक्ट को सेपरेट कर रहे हैं, और अब देख रहे हैं ये वो नली है जो गॉल ब्लैडर को कॉमन बाइल डक्ट से जोड़ती है। सिस्टिक डक्ट को प्रॉपरली डायसेक्ट करना बहुत जरूरी है, और इसके दौरान ये बहुत जरूरी है कि कॉमन बाइल डक्ट को कोई इंजरी ना हो। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि हमारे को अच्छे रिजल्ट मिले, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, ये सिस्टिक डक्ट को हमने पूरा डायसेक्ट कर लिया है, पीछे पेरिटोनियल फोल्ड को रिमूव कर दिया है, गॉल ब्लैडर से उठा लिया, गॉल ब्लैडर बेड से उठा लिया है। अब ये सिस्टिक डक्ट के ऊपर हम लीगा क्लिप्स को लगा रहे हैं। इसका काम ये है कि ये सिस्टिक डक्ट को ब्लॉक कर देता है, और इसमें से जो बाइल है वो लीक ना करे। तो ये क्लिप्स का प्रॉपरली लगना बहुत जरूरी है। हमने सिस्टिक डक्ट को कट किया, अंदर छोटा मोटा कोई ब्लीडिंग है तो उसको रोका जाता है। ये गॉल ब्लैडर का बेड है, और सिस्टिक आर्टरी का कुछ पार्ट था जिसको हम अभी लाइगेट कर रहे थे, क्लिप कर रहे थे, और गॉल ब्लैडर को लिफ्ट करके गॉल ब्लैडर के बेड से डायसेक्ट किया जा रहा है विद द कॉटरी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से गॉल ब्लैडर को लिफ्ट किया जा रहा है, और उसको जो पेरिटोनियल फोल्ड्स हैं उसके, जिससे वो लिवर के साथ जुड़ा है, उन फोल्ड से उसको रिलीज किया जा रहा है लिवर के बेड्स के थ्रू। ये पूरा डाइसेक्शन है, जितना अच्छे से किया जाता है, जितना केयरफुली किया जाए उतना बेटर है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, और जो लिवर का बेड है उसमें भी इंजरी ना हो। तो आप देख रहे हैं ये पूरा प्रोसीजर है जिसमें गॉल ब्लैडर हमारा सेपरेट हो गया है, लिवर बेड आपको दिख रहा है, और ये हम गॉल ब्लैडर को निकाल रहे हैं थ्रू द अम्बिलिकल पोर्ट।
ये गॉल ब्लैडर है जिसको हमने बाहर निकाल लिया, ये पेट के अंदर हम देख रहे हैं, एक बार चेक कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लिवर बेड नॉर्मल है, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, और ये लगभग ड्राई है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और एक ड्रेन को अंदर डाला जा रहा है फॉर अ प्रिकॉशन। हम एक ड्रेन को अंदर डालते हैं जो हम 24 hours to 48 hours अंदर रखते हैं, और ये ड्रेन को फिक्स किया जा रहा है पेट के अंदर, पेट में बाहर से, और इस तरह से टांके लगाए जा रहे हैं ताकि जो हमने पोर्ट्स बनाए थे वो सब क्लोज कर दिए जाएं। नॉर्मली पेशेंट को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं और रिकवरी फास्ट होती है। पूरे प्रोसीजर में हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और पेशेंट सेफली घर जा सके। सो एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्लोजर चल रहा है एब्डोमेन का, वुंड्स का आप देख सकते हैं, टांके लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर, और ये गॉल ब्लैडर है जो निकला, इसमें पत्थर है, इसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं या कोलीलिथियासिस बोलते हैं। इसकी बायोप्सी करना जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये गॉल ब्लैडर सर्जरी यानी लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कैसे की जाती है। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे तो आप हमारी टीम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपसे शेयर किया जा रहा है, उस नंबर पर आप अपने क्वेश्चंस भेजें एंड देन वी कैन गेट बैक टू यू और इन्फॉर्म यू कि आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस सर्जरी उसको हम क्लेरिफाई कर सकें। नीचे कुछ नंबर्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए हैं, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में भी अपने क्वेश्चंस लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।